हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो यार कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। भाई आप लोग का थंबनेल और टाइटल से मालूम चला गया होगा कि हम लोग जाने वाले कहाँ हैं। फिर भी बता देते हैं, आज हम लोग का शाम का प्लान है मिर्ज़ापुर एंड बनारस के लिए। तो भाई इस समय का व्लॉग चालू हो रहा है करीबन 3:30-4 बजे से, और आज रात का ट्रिप है। तो भाई आप लोग इन्जॉय कीजिएगा, मज़ा लीजिएगा। अभी निकले नहीं, अभी पैकिंग करने जा रहे हैं, तुरंत पैकिंग करके निकलेंगे। उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे पूरी रास्ते की जर्नी, और इन्जॉय कीजिएगा आप लोग भी और हम भी। तो इसी बात पे एक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कौन सा और काम है। तो भाई बैग क्या पैक करें यार, हमारे पास एसी रख देंगे, ये भी यही है फिलहाल में। एक सेट कपड़ा लिया है नहा कर पहनने के लिए वहाँ पर सुबह में, तो इसको रख देते हैं भाई शिवम भाई के बैग में ही रख देंगे। तो भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि समय हो चुका है यार। हम लोग का ट्रेन है 7 बजे से, और वहाँ पर टाइम देखिए आप लोग को दिखाते हैं, एक मिनट। टाइम हो रहा है अभी 6:15 कम है, और ट्रेन हम लोग का 7 बजे से है। तो अभी हम लोग निकलेंगे देवरिया के लिए, अपने चौराहे पे जाएंगे, वहाँ से टेम्पू या बस या कुछ भी सवारी पकड़कर हम लोग देवरिया जाएंगे, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे बनारस के लिए। तो प्रोसेसिंग पूरा आप लोग को हम शुरू से लेकर अंत तक दिखाएँगे, 2-3 पार्ट में होगा दिखाएंगे। और हम अकेले नहीं हैं, हम लोग के साथ 5 लोग हैं, मतलब 5 लोग हैं, अपने बड़े भैया भी हैं और हमारे साथ के मित्र भी हैं, तो 5 लोग हैं। तो सब किसी को इंट्रोडक्शन हम करवा देंगे चलेंगे तो, ठीक है। और फिलहाल आप लोग बने रहिएगा, तो चलते हैं पहले वहाँ से चौराहे चलते हैं, टेम्पू बुक पकड़ेंगे या कुछ भी पकड़ेंगे चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, और आप सीधे मिलेंगे चौराहे की तरफ रास्ते में। हम लोग आ गए थाने रोड के सामने, ये लोग हैं, ये बंदा छोड़ने आया है, और 3 लोग यहाँ पे हैं, और हम हैं, और एक आ रहे हैं कसिया से बस से। तो बाइक पर गाड़ी में बैठने के बाद मिलते हैं। टेम्पू मिल चुका है हम लोग को, टेम्पू में देवरिया के लिए निकल चुके हैं। 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, एक भैया आ रहे हैं अभी कसिया, फिर स्टेशन पर चल के मिलते हैं, स्टेशन पर चल के देवरिया मिलते हैं। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। भाई मौसम सुहाना सुहाना है, बादल चारों तरफ है अभी, और शाम होने को है, और हम लोग के पास टेम्पो इस समय फिलहाल में है, तो टेम्पू का आनंद लेते हुए। और काफ़ी शानदार व्यू आ रहा है, हमारे पटनवा पुल के पास तक आ चुके हैं, और भाई सवेरा हम लोग का पटनवा पुल, जो नदी का नाम है छोटी गंडक नदी, यह है नदी वाली नदी क्रॉस करते हुए पटनवा पुल का, छोटी गंडक नदी। तो गाइस हमने उतर चुके हैं अपने स्टेशन पे, या देवरिया का स्टेशन है, आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पर मालगाड़ी लगी हुई है और ट्रक भी लगे हुए हैं, और सीमेंट लोडिंग हो रही है। तो अब हम लोग चल रहे हैं स्टेशन पे, अब बारिश भी शुरू हो चुकी है भाई, देवरिया उतरते उतरते बारिश आने लगा है। देखो ये देखो बारिश आ रही है, देखो इसको भी देख लो, और इसको देखो सांड को, भाई ये भी अपना इंतजाम कर रहा है। और वो चल रहे हैं हमारे 2 भाई, और यहाँ पर शिवम, और हम चल रहे हैं, और राजन भैया अभी तक आए नहीं हैं, राजन भैया को आने में देर है, कुछ समय में उपस्थित हो जाएंगे। और वो देखो भाई ट्रेन आ चुकी है, तो चलते हैं और मिलते हैं स्टेशन के अंदर, बारिश तेज हो रही है, कैमरा भी छुपाना है ना तो भीग जाएगा। भाई हम लोग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, और अभी पता चला है कि ट्रेन 10 बजे आने वाली है भाई, ठीक है 7 बजे से 10 बजे लेट हो गई है, तो इसी पर आएंगे। तो गाइस राजन भैया यहाँ पे हैं अभी राजन भैया का ब्लॉग बन रहा है, जल्दी आवो। और उसमें पानी पी रहे हैं ठंडा, और ये इंजन है जो ट्रेन का इंजन है, चादरा बिछा के सूते थे, अभी चालू हो चुका है, ये सिंगल है बस इंजन है। शिवम काफी तेज आवाज, शिवम कुछ कहना चाहते हो अपना ट्रेन लेट है इसके बारे में? देखो कुछ कॉल तो नहीं खींचा, कुछ कॉले नहीं खेजा मिले चल गए। और देखो इंजन भाई जा रही है, बाकी सब रात हो चुका है, और 7:30 के करीब हो चुका है भाई, इसका आवाज़ बहुत तेज है,
देखो भाई जा रही है अपनी पूरी जो छोड़ कर आई होगी उसमें जोड़ने के लिए अपना बोगी। बाकी देख लीजिए बाकी लोग बैठकर इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ इंतजार इंतजार हो रहा है। लीजिए हमारे राजन भैया आ चुके हैं, ये रहे हमारे राजन भैया और ये रहे हमारे दीपा भैया, पान खा रहे हैं, मीठा पान है ये भी मीठा पान चाप रहे हैं। आपका क्या हाल चाल है भाई? आप मीठा पान नहीं चाप रहे हैं का? मीठा और एक एक बूंद आ रही है बारिश भी। प्लेटफार्म देवरिया दिखा देते हैं आप लोग को, यहाँ पे देवरिया सदर यहीं पे बैठे हुए हैं। ट्रेन का इंतजार अभी भी जारी है, ट्रेन हम लोग का लेट है, 10 बजे आने वाली है, जो 7 बजे आने वाली थी वो 10 बजे आने वाली है, तो इंतजार हम लोग कर रहे हैं। राजन भैया जो बोल रहे हैं वो सब गलत है और इंतजार की अभी भी हम लोग जारी है। चलिए इंतजार करते हैं हमारी ट्रेन कब तक आती है। काफ़ी समय के बाद हम लोग का ट्रेन आ चुकी है, ये रही हम लोग का ट्रेन, बहुत समय लगा है इंतजार की, काफ़ी गाड़ी गाड़ी मत दो, बहुत लेट आई है। S9 S10 हम लोग आगे जा रही है, S10 यहीं पे है, S10 आ चुकी है, हम लोग इसी में बैठेंगे। तो बैठने के बाद भाई लोग मिलते हैं, ठीक है भाई? सब लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, हमारा सीट है बीच वाला है लेकिन अभी खाली है, तो यहाँ पे बैठे हैं। और शिवम भाई यहाँ पे लेटे हुए हैं और हसमुद्दीन भाई वहाँ पे ऊपर हैं और दीपक भैया वहाँ पे हैं और राजन भैया यहाँ पे हैं। ये बहुत लेट से आए लेकिन आए तो जरूर। हाय लेट हुआ लेकिन कोई बात नहीं, सो कर चलेंगे अपना बैग यहाँ पे। तो भाई लेटते हैं उसके बाद भाई साहब अब यही है कि अब वहाँ पे चलकर बनारस मिलेंगे आपसे। अब कहाँ चलना है तो भैया लोग जानते हैं, मिर्जापुर या बनारस, लेकिन जाएंगे तो जाएंगे भाई, तो वहाँ पे चल के सुबह में मिलते हैं। और फिलहाल आपके इस समय का भाई ब्लॉग अब स्टॉप करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा चौड़ा हो चुका है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एपिसोड 2 में या फर्स्ट था एपिसोड 2 में मिलते हैं, तो बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट सभी भाई।